देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। बॉलीवुड से बड़ी दुखद खबर है। टीवी सीरियल एक्टर कुशल पंजाबी ने 37 की उम्र में खुदकुशी कर ली है। इस खुदकुशी की खबर ने सभी को चौंका दिया है और पूरा बॉलीवुड इस खबर से हैरान है। कुशल ने क्यों खुदकुशी जैसा बड़ा कदम उठाया, ये सवाल हर किसी के जहन। इस बीच जानकारी मिली है कि पुलिस को कुशल पंजाबी के शव के पास से सुसाइड नोट मिला है और डीसीपी परमजीत सिंह दहिया ने कुशल पंजाबी के सुसाइड से जुड़ी डिटेल शेयर की है। डीसीपी परमजीत सिंह दहिया ने सपोर्ट बॉय से बातचीत में कहा है, हाँ ये सुसाइड केस है, उनके पेरेंट्स दोपहर से उनसे संपर्क करने का कोशिश कर रहे थे लेकिन कुशल का फोन नहीं मिल रहा था। उन्होंने रात तक इंतजार किया, जब कुशल की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वे रात 10:30 पर कुशल की बिल्डिंग में पहुंचे। कुशल घर में तब अकेले थे इसलिए उनके पेरेंट्स दरवाजा तोड़कर अंदर गए। घर के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि कुशल का शव पंखे से लटक रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हमने सुसाइड का केस दर्ज कर लिया है। डीसीपी ने यह भी बताया है कि कौशल ने सुसाइड नोट में अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया है। दूसरी तरफ जानकारी ये भी मिली है कि कौशल आर्थिक तंगी झेल रहे थे, उनके पास काम नहीं था। प्रोफेशनल लाइफ की परेशानियां उनकी पर्सनल लाइफ को भी प्रभावित कर रही थी। तो वहीं कौशल के करीबी दोस्त और एक्टर चेतन हंसराज ने कुशल की खुदकुशी की वजह उनकी पत्नी बताई है। उन्होंने कहा है कि ये सुसाइड है। कुशल का उनकी पत्नी से मनमुटाव चल रहा था, दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर था और कुशल बीमार भी था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कुशल हमारे बीच नहीं है। कुछ दिन पहले मेरी कुशल से बात हुई थी, कुशल ने मुझे बताया था कि वो परेशान है। चेतन ने यह भी कहा कि मैंने कुशल को बहुत समझाया कि ये सभी चीजें जिंदगी में होती रहती है, उसे अपनी परेशानियों से लड़ना चाहिए, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि कुशल सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठाएगा। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।